नमस्कार, मैं हूं काजल रसोगी और आप देख रहे हैं WNN 360 सड़क से संसद तक। उत्तर प्रदेश के जनपद अमेठी में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में दो बदमाशों के पैर में गोली लगी। कुछ दिन पहले अलमारी भरा पिकअप लूटकर हुए थे फरार। यहां आपको ये बताना बेहद जरूरी है कि जिसमें एक बदमाश के ऊपर 25,000 का इनाम था, ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो से जा रहे थे बदमाश। मुखबिर की सटीक सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया। हमारे संवाददाता SP तिवारी के साथ देखें ये रिपोर्ट। देखिए, आज शाम लगभग 9:30 बजे SOG टीम को सूचना मिली कि काले स्कॉर्पियो से लखनऊ की तरफ से कुछ बदमाश चले आ रहे हैं। इस सूचना पर SOG टीम और जगदीशपुर टीम, मुसाफिरहाना टीम ने उस गाड़ी को रोकने का प्रयास किया तो पुलिस टीम पर उन्होंने फायरिंग कर दी और भागने लगे। जब अभी फायरिंग में दो बदमाशों के पैर में गोली लगी है, SOG प्रभारी भी घायल हुए हैं। इनके कब्जे से 3 तमंचे, 315 बोर के 1 12 बोर बरामद हुआ है। इलाज चल रहा है, खतरे से भी बाहर है। बदमाश घायल हुए हैं, क्या उसके पूर्व में कुछ इनके पर इनाम भी घोषित किए गए हैं क्या? महेश सिंह है, इस पर गैंगस्टर में 25,000 का इनाम है, फरार चल रहा। कितने मुकदमे दर्ज अगर देखा जाए इन लोगों के खिलाफ अभी तक? महेश सिंह पे 13 मुकदमे हैं और कुल 6 बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। एक अनुज प्रताप सिंह भी घायल हुआ है, पर गोली लगी है और अभी इनकी क्रोनिस्टी पता करा जाए। सर, ये लोग करते क्या थे? ये बदमाश की सूचना मिली थी और जैसा कि वो जानते हैं कि एक गैंगस्टर का मुकदमा था, 13 मुकदमे थे, अभी छानबीन की जा रही है। इसके पहले ये लोग भी लूट का ऐसे काम करते थे, क्या आज ऐसी भी कोई योजना तैयार की जा रही थी इन लोगों द्वारा? निश्चित रूप से कोई बड़ी घटना करते ये लोग, इकट्ठे को बदमाश आ रहे थे और 4 असलहे भी थे, तो निश्चित रूप से कोई बड़ी घटना करते। कोई फरार तो नहीं, इसमें 6 लोग गिरफ्तार हो गए? 6 गिरफ्तार हो गए।